हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक और 6 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 जो चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसका 6 नंबर का एक क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इजी होता है, करना कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। कौन सा? 6 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। कोई धारावाही चालक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उस पर लगने वाले बल का क्या निकालना है आपको? सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। समझिए इस क्वेश्चन को, आपको क्या लिखना है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम। क्या डायग्राम बनेगा इसका? इसका जो डायग्राम बनेगा, देखिए, सबसे पहले मानेंगे हम एक चुंबकीय क्षेत्र है। इस तरह से एक चुंबकीय क्षेत्र है आपके पास, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। ठीक है, ये आपके पास एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसके अंदर एक कोई क्या रखा हुआ है? इसके अंदर एल लंबाई का एक चालक रखा है। इस तरह से एक चालक रखा है, एल लंबाई। कितनी लंबाई है इसकी? एल। कितनी लंबाई है? एल। ये एक चालक है, कितनी लंबाई पर रखा है? एल। और ये कितने का कोण बना रहा है? ये जो कोण बना रहा है, ये कोण बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से, कितने का? थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, और ये आपके पास क्या है? ये एक छड़ है, चालक है, इसकी लंबाई कितनी है? एल। इस चालक की लंबाई कितनी है? एल। चालक की लंबाई कितनी है? एल। ये चालक की लंबाई है, और ये बी के साथ कितने का कोण बना रहा है? थीटा। और इसमें जो प्रवाहित हो रही है धारा, वो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई। तो ये आपको लिखना होगा। कैसे आप शुरुआत करेंगे इसकी? माना माना एक एल लंबाई का चालक, एल लंबाई का, या ऐसे लिख लीजिए, माना एल लंबाई का एक चालक, माना एल लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र बी में। चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। चुंबकीय क्षेत्र बी में एक समान, चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा से थीटा के कोण पर रखा है, थीटा के कोण पर रखा है। माना चालक की लंबाई, चालक की लंबाई कितनी है? एल है। कितनी है? एल। तथा इसमें प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा आई है। तब इस चालक पर एक बल लगेगा। तब जो बल लगेगा चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। नंबर 1, समझिए इस चीज को कि अगर हम किसी चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रख दें, तो उस चालक पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। वही चुंबकीय बल हमें बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? जो ये चुंबकीय बल होगा, ये चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या लिखेंगे आप? चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब ये हुआ, अनुक्रमानुपाती होता है,
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इस पर लगने वाले बल का मान भी बढ़ेगा, मतलब एफ अनुक्रमानुपाती होगा आई के, समीकरण नंबर वन। दूसरा देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसकी बात कर रहे हैं हम, चुंबकीय बल की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ अर्थात जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे इस पर लगने वाला बल भी बढ़ेगा। और तीसरा किस पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब आप जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय बल भी बढ़ेगा। तो F अनुक्रमानुपाती क्या, L, समीकरण नंबर तीन। तो ये तीन चीज़ें क्या आएगी, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चालक है इस पर लगने वाला बल धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, जैसे जैसे आप धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल भी बढ़ेगा। दूसरा, जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय बल भी बढ़ेगा। और तीसरा, जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल भी बढ़ेगा। ठीक है, अब तीनों को कंबाइंड कर लेते हैं, समीकरण एक दो व तीन को, समीकरण एक दो व तीन से, तो F किसके अनुक्रमानुपाती आ गया, I B L किसके अनुक्रमानुपाती आ गया, I B L। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि ये साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती भी होता है। दोबारा समझिए, तीन तक तो हो गया हमारे पास, चौथा किस पर निर्भर करता है, फोर्थ, चालक की लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की जया, मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है अर्थात एफ अनुक्रमानुपाती किसके होगा, साइन थीटा के, किसके होगा, साइन थीटा के, समीकरण नंबर चार। तो अब कंबाइंड कर देंगे चारों को, समीकरण नंबर एक दो तीन व चार से एफ अनुक्रमानुपाती आ गया आई बी एल साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा, देखिए एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपको रिमेम्बर रखना है, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। ये किसी भी चालक पर, किसी भी छड़ पर चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का क्या होगा, सूत्र होगा, चुंबकीय बल का फॉर्मूला होगा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। केस फर्स्ट, इसका केस फर्स्ट ये कहेगा यदि जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है। चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या आएगा, समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। इसका मतलब ये है कि जिस दिशा में, अगर B इस दिशा में है तो L भी इसी दिशा में होगा, तो दोनों के बीच का कोण कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, कितना आ जाएगा, 0। समांतर का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री। तो F बराबर फॉर्मूला बनेगा आई बी एल साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि साइन जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इसका दूसरा केस क्या बनेगा, चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत है, मतलब चालक की लंबाई इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, तो दोनों के बीच का कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। थीटा कितना होगा यहाँ पर, 90 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एफ बराबर फॉर्मूला है आई बी एल साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है, तो एफ बराबर होगा आई बी एल गुना 1, तो कितना आ जाएगा आई बी एल, एफ बराबर आई बी एल, कहाँ से आया, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और यहाँ पर हमने देखा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 0 की इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, और कुछ भी आप एंगल ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने माना कि L और B के बीच का एंगल 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री, तो F बराबर होगा आई बी एल साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1/2, तो आई बी एल बटे 2। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो यही पूछा था क्वेश्चन में, देखिए दूसरे में, यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो 0 होगा, लंबवत है, तो F बराबर आई बी एल इंटू 1, तो 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री में हो जाएगा F बराबर आई बी एल साइन 60 डिग्री। तो देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, आज एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन है, देखिए एक, ये बोल रहा है एक मीटर लंबाई के, यानी कि चालक की लंबाई दी है कितनी, L बराबर 1 मीटर, कितनी दी है, L बराबर 1 मीटर। धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा, I बराबर कितना दिया है, 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आपसे पूछे जाने के 99% इसके चांस है इस टाइप के, ठीक है। प्रवाहित हो रही है इसे 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, B बराबर 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसके 4 मात्रक होते हैं, कितने मात्रक होते हैं, 4। पहला मात्रक होता है टेस्ला, पूछा जा सकता है 2 नंबर में, आपको लिख देना सीधा टेस्ला। दूसरा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और तीसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर। और चौथा जो होता है वो CGS में होता है, CGS। बाकी ये तीनों किस में है, MKS ठीक पद्धति में। CGS में क्या होता है इसका, गोस, क्या होता है, गोस। और एक गोस में एक टेस्ला में, टेस्ला लिखिए, या एक गोस में 10^-4 टेस्ला होते हैं, ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। चलिए रखा गया है धारावाही चालक पर बल की गणना कीजिए, F निकालना है, कब, कितने केस दिए हैं, 3। चालक क्षेत्र के लंबवत है, तो लंबवत का मतलब मैंने आपको बताया था कितना, 90 डिग्री, कितना बताया, 90। तो F बराबर क्या फॉर्मूला था, आई बी एल साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना रखेंगे, 90 डिग्री। देखो कहाँ है फॉर्मूला, ये ना, F बराबर आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। तो रखेंगे ये वैल्यू, आई कितना है हमारे पास यहाँ, आई है 1, कितना है, 1 इंटू बी कितना है हमारे पास, बी बी 2 है, और एल कितना है, 1, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसकी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, 1, 2 जो 2, 2, 2, 2, कितना आ गया, 2 न्यूटन, कितना आंसर आ गया, 2 न्यूटन। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, चालक क्षेत्र के समांतर है, समांतर का मतलब है थीटा 0 डिग्री, समांतर का क्या मतलब है, थीटा 0 डिग्री। तो F बराबर क्या आएगा, आई बी एल साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे किसी की भी, 0 आ जाएगा। और के इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, चालक क्षेत्र से कितने का कोण बना रहा है, चालक क्षेत्र से कितने का कोण बना रहा है, 60, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो F बराबर आई बी एल साइन 60 डिग्री।
आई कितना था, आई था 1, बी 2, एल 1, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, ये आपको याद रखना है, रूट 3/2, तो कितना जाएगा, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया रूट 3 न्यूटन, या रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 न्यूटन आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी करना है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ, धन्यवाद, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।